स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम को लेकर अभी भी एक ताजा खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब मौसम विभाग का डबल अटैक, यूपी में अगले दो दिनों के बीच तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने अब फिर जारी किया अलर्ट, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। चलिए जानते खबर को विस्तार से, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो हीट वेव के चलते लोग परेशान हैं। वहीं अब मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। आने वाले दो तीन दिनों में मौसम बदलेगा, जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं हल्की कई मध्यम कई तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें गरज चमक के साथ भारी बारिश होने को लेकर भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। यूपी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के बीच गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, वहीं बारिश होगी। वहीं प्रदेश के कई जगह ऐसे हैं जहां तेज हवाओं के साथ लगातार झमाझम बारिश होने के साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि होने को लेकर भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। इन दो दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। गर्मी की मार से परेशान यूपी के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। इस बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि आज से पूरे उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड स्थान पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं आने वाले तीन दिनों तक लगातार अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं तीन दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की भी आशंका मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक साथ हल्की बारिश होने के साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश का वाराणसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा है, जहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर और मुजफ्फरनगर में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों का कैसा रहेगा मौसम। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान यहां 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। आसमान में लगातार हल्के बादल यहां भी छाए रहेंगे। बात करें कानपुर नगर की तो कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहां पर अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में न्यूनतम तापमान आपको बता दें कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान यहां 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान यहां 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहां पर भी आसमान में आंशिक रूप से हल्के बादल छाए रहेंगे। बात करें मेरठ की तो मेरठ में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान या 36 से 37 या फिर 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मेरठ में हल्के बादल यहां भी छाए रहेंगे। यहां पर हल्की बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान आने वाले तीन दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। तीन दिनों के बाद अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि और दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार के साथ ही तेज बारिश भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।